जय सी राम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज सुबह मैं उठी थी 5:15 के अराउंड। उठते ही सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी पिया, उसके बाद रात को भिगोए और ड्राई फ्रूट्स खाए और 5:35 से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। रीजनिंग मेंस का किया सबसे पहले आर्ट ऑफ रीजनिंग यूट्यूब चैनल से। क्रिटिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन किए थे जिसमें से 6 सही बने थे। फिर उसके बाद एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन किया था जिसमें एक केस तो मेरा कट गया था और दूसरा केस मेरा जो बना था वो सर के साथ मेरा बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने 2-3 बार कंडीशंस चेक करी थी, फिर भी मेरा यही आ रहा था और सर का भी ठीक था, पता नहीं है क्यों नहीं कट रहा था। फिर उसके बाद एक और सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन किया था, बन गया था ये। फिर उसके बाद मैंने एक रीजनिंग का क्विज दिया था, स्कोर था 14 out of 20। इसमें मेरे से एक पजल में मेरे से एक कंडीशन गलत हो गई थी और उसी से 3 क्वेश्चन बन रहे थे और 3 क्वेश्चन मेरे उस पजल के गलत हो गए, तो मेरे सारे क्वेश्चन गलत हो गए उसके 3-4। फिर उसके बाद 5 मिनट किया प्राणायाम, थोड़ी बहुत करी स्ट्रेचिंग और 12 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार के लगाए। फिर उसके बाद मैं नहा के रेडी होगी, पूजा करी और 10 बजे के अराउंड बैठ गई थी करंट अफेयर्स का पढ़ने के लिए। आज 21 जून के करंट अफेयर की PDF रीड करी और 20 जून के करंट अफेयर की PDF पे बेस्ड टेस्ट दिया था। 20 में से 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और 19 में से 2 क्वेश्चन आज गलत हो गए थे, तो स्कोर था उसमें मेरा 16.5 out of 20। उसके बाद मैंने क्वांट का मेंस का किया था हर्षल सर की वीडियोज से, 10 क्वेश्चन सोल्व किए थे। ज़्यादातर इन 10 में नंबर सिस्टम और अलजैब्रा से थे और 1-2 मिक्सचर वगैरह का था क्वेश्चन। फिर उसके बाद लंच किया मैंने और लंच करने के बाद 1 घंटे की मैंने नींद ली थी। फिर सो के उठने के बाद मैंने क्वांट का ही किया, क्वांट में जो अर्थमेटिक की 30 क्वेश्चंस आए हुए थे हर्षल सर के यूट्यूब चैनल पे, वो वाले 30 क्वेश्चंस मैंने सोल्व किए अर्थमेटिक के। उसके बाद मैंने निमिषा मैम से एडिटोरियल का लेक्चर कम्प्लीट किया और एक परफेक्शन की क्लास देखी थी। फिर शाम को चली गई थी मैं इवनिंग वॉक पे और आज का इवनिंग व्यू कुछ ऐसा था। और ये कि ये मैडम है ब्राउनी मैडम, इसके लाड ही नहीं ख़त्म होते हैं पूरा दिन। अभी मैंने ओली बोर्ड वाला लाइव टेस्ट दिया था, ओली बोर्ड पे जो लाइव मॉक चल रहा था क्लर्क वाला, RRB क्लर्क का, जो इससे पिछला हुआ था ओली बोर्ड पे लाइव RRB क्लर्क वाला ही, उसमें मैंने अटेम्प्ट किए थे 75। उस दिन मेरे 6 गलत थे तो स्कोर था मेरा 67.5 समथिंग कुछ ऐसा ही था। और आज मैंने अटेम्प्ट किए हैं इसमें, आज कम ही अटेम्प्ट हुए, आज हुए 73 अटेम्प्ट, बट आज गलत 2 हैं इसमें मेरी। एक मैं देख लूँ, पहले मैं देख लूँ 2 कौन से गलत, कल दिखेंगे, अभी नहीं दिखेंगे। ट्यूजडे, कल मंगलवार है ना, हाँ बैक हो जाओ। तो इसमें भाई मेरी रीजनिंग में था 40 out of 40 और क्वांट में मैंने 33 किए, उसमें से 2 गलत हैं मेरे, जबकि रीजनिंग में मेरी एक क्या फंसी थी, पजल फंसी थी या सिटिंग अरेंजमेंट, हाँ पजल फंसी थी, पजल थी बिल्कुल वो इजी, उसमें 6 वाली थी, मतलब 6 बंदे बैठाने थे, क्या था 6 थे जो भी था, 6 थे उसमें, 6 अरेंज करने थे। उसमें ना मेरे 2 केस बन रहे थे, केस ही नहीं कट रहे थे। फिर ऑप्शन के हिसाब से मैंने एडजस्ट करने की कोशिश करी कि ऑप्शन के हिसाब से अगर फील होएगा कि ये गलत जा रहे हैं ऑप्शन, तो मतलब ये वाला केस ले लूँगी, अगर फील होएगा कि वो वाला, मेरे को डर था कि 5-6 क्वेश्चन गलत हैं पक्का जिसमें, बट वो ठीक बन गई, ठीक किया मैंने उसके हिसाब। क्वांट में मैंने नंबर सीरीज बना रही थी, नंबर सीरीज नहीं मेरे से बनी, इसमें क्वांट में नंबर सीरीज के क्वेश्चन छूटे हैं मेरे से 4, पता नहीं क्यों नहीं बनी भाई, दिमाग में ही नहीं रही थी। ज़्यादा कुछ बड़ी भी नहीं थी पर मेरे दिमाग में आई नहीं आज नंबर सीरीज के छोड़े हैं फिर मैंने 4 क्वेश्चन और 3 अर्थमेटिक के छोटे होंगे और तो अर्थमेटिक के किए हैं मैंने, DI भी दोनों करी हैं, DI का 1-2 क्वेश्चन ना गलत हुए, 2 जो क्वेश्चन गलत हुए हैं मेरे। 73 अटैम्प्ट किए, 71 सही है और 2 गलत, तो 70.5 चला गया स्कोर मेरा। और रीजनिंग में 40 out of 40 एंड क्वांट में 31 out of 40, ये 2 नाशपिटे गलत हो गए मेरे से।
इतना ही किया बस आज, और ये थी मेरी आज की टू डू लिस्ट जो भी मैंने आज किया, और आज के मेरे टोटल स्टडी आवर्स थे अप्रोक्स 9 आवर्स। It's not a game, it's a rage game.